भाई आज हमारे पास रेनो की तरफ से ट्राइबर, ये इस कार का बिल्कुल अपडेटेड वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में इस कार का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो में बात करें कार के प्राइस के बारे में, कार के अंदर में थोड़े बहुत अपडेट देखने को मिल जाते हैं, उन सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले गाइस इस कार के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस कार के प्राइस रखे गए हैं 7 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। इस कार के स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो इस कार के स्टार्टिंग प्राइस रखे गए हैं 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। इस प्राइस पर आने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर कार आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे सिटिंग ऑप्शंस अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, अच्छा खासा कंफर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, स्पीशियस कार रहने वाली है। अभी सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे अंदर बैठ के। अभी मेनली बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस कार के अंदर हमें मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि पावर जनरेट करता है, 69 bhp के 91 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार 5-स्पीड गियरबॉक्स के मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है, बट ये लिमिटेड एडिशन जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कार के एक्सटीरियर लुक में। एक्सटीरियर लुक में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत मिनिमल कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले चेंजेस रहने वाला है इसका फ्रंट ग्रिल के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट की साइड में देखेंगे तो पियानो ब्लैक के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल पर बीचों बीच रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है बड़ा सा, एंड फ्रंट ग्रिल ओवरऑल कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट ही रहने वाली है। बात करी जाए हेडलैम्प सेटअप की, तो हेडलैम्प्स में यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हेलोजन में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, डुअल बैरल हेडलैम्प्स आप इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। नीचे की साइड आते हैं तो कोई भी फॉग लैम्प्स वगैरह की प्लेसिंग आपको नहीं मिलती है, आप फॉग लैम्प आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, वो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल जरूर मिल जाते हैं। प्लेसिंग मिल जाती है यहाँ पर अवेलेबल, इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं। नीचे की साइड आपको रेडिएटर ग्रिल की बात की जाए तो काफ़ी स्पोर्टियर सी इसकी रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, एंड यहाँ पर ये कम्प्लीटली ब्लैक डॉट फिनिशिंग के साथ ही रहने वाली है। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ तरीके का निकल कर आता है। वाइपर्स यहाँ पर सिंपल वाले हैं, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलते हैं। एंड बात की जाए इस कार के रूफ के बारे में तो ब्लैक आउट इसकी रूफ रहने वाली है, डुअल टोन में कलर आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिनिशिंग के साथ। साइड लुक के बारे में बात करते हैं अभी, तो साइड लुक के में आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स मिल जाती है जो कि मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ रहने वाली है। बात की जाए इस कार के टायर के बारे में तो यहाँ पर आपको R14 inches के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। व्हील कैप आपको इसके साथ ब्लैक्ड आउट फिनिशिंग के साथ ही रहने वाले हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहने वाला है, पहले जो है इसके अंदर सिल्वर कलर के आते थे बट यहाँ पर अब आपको ब्लैक्ड आउट फिनिशिंग के साथ मिलते हैं, तो ये अपडेट रहने वाला है। बाकी साइड लुक की तरफ आते हैं तो काफ़ी डिसेंट सा इसका साइड लुक रहने वाला है। ORVM इसका कम्प्लीटली पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ही रहने वाला है। पिलर्स की बात की जाए तो पिलर आपको फ्रंट पिलर ब्लैक डॉट मिलता है, बीच वाला पिलर आपको बॉडी कलर के अंदर ही मिलने वाला है। डोर हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ इसका डोर हैंडल मिल जाता है। साइड की तरफ की व्हील बेस के बारे में बात की जाए तो 2600 mm के समथिंग इसका व्हील बेस रहने वाला है, जिसकी वजह से अंदर की साइड में आपको अच्छा खासा स्पेस भी बन जाता है। बाकी बात करूँ इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो 182 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, एंड बम्पी रोड्स पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करते हैं अभी इस कार के रेयर लुक के बारे में। साइड से देखने में कार काफी ज्यादा अच्छी खासी लगने वाली है, काफी डिसेंट से इसके लुक आते हैं साइड की तरफ से। बात करेंगे इस कार के रेयर लुक के बारे में तो रेयर की साइड में आते ही सबसे पहले यहां पर आपको ब्लैक्ड आउट फिनिशिंग के साथ ट्राइबर की बैजिंग मिल जाती है। यहां पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, 3 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बात की जाए ब्रेकिंग लाइट सेटअप के बारे में तो यहां पर आपको कंप्लीटली हेलोजन के अंदर ब्रेकिंग लाइट सेटअप मिलने वाला है। हेलोजन में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पार्किंग लैंप भी आपको हेलोजन के अंदर ही मिलने वाले हैं। ऊपर की साइड कोई भी वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ इसकी ओवरऑल रूफ रहने वाली है, एंड पीछे के लुक ओवरऑल कुछ तरीके के निकल कर आते हैं। बात करते हैं इस कार के बूट स्पेस के बारे में कि भाई इसके अंदर में स्पेस कितना अच्छा खासा मिल जाता है। तो मैग्नेटिक रेल के बटन के थ्रू ये पूरा ओपन हो जाता है, एंड सीट जो है आप अपने अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं, फुली फ्लैट फोल्ड फंक्शन के साथ ये सीट्स मिलती हैं, एंड डिटैच आप इन्हें कर सकते हैं। इनको डिटैच करने के बाद आप अपने घर रख सकते हैं, एंड अच्छा खासा स्पेस भी यहाँ पर आपको बन जाता है। अगर आपको कोई बंदे अंदर की साइड बिठा रहे हैं, कोई अगर आपका छोटा भाई या बहन बैठेगा पीछे की साइड, तो तब आपके पास कुछ इतना स्पेस बचने वाला है। तो बूट स्पेस के मामले में भी काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर आपको किसी को बिठाना है तब आप सीट लगा सकते हैं, एंड बूट स्पेस चाहिए तो आप सीट को हटा के घर रख सकते हैं, बूट स्पेस रख सकते हैं, एंड अच्छा खासा अपना सामान भी यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको बंद कर देते हैं, मेनली भी बात करेंगे इस कार के इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में जाने से पहले इसकी चाबी देख लेते हैं, तो कुछ तरीके की इसकी चाबी रहने वाली है। यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है, एंड यहाँ पर लॉक अनलॉक के सिंपल से ही फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं,
तो डोर्स पर आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं, बट यहाँ पर फ्रंट साइड में टू वे में ही आपको कंट्रोल मिलते हैं, पीछे वाले अलग से दिए गए हैं जो कि अभी दिखाता हूँ। फ्रंट की साइड में यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, चार स्पीकर का सेटअप रहने वाला है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल में नहीं मिलते हैं, ये आपको हाथों से ही एडजस्ट करने होंगे एंड फोल्ड भी आपको हाथों से ही करने होंगे। अभी अंदर बैठते हैं, बात करेंगे इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में आते इसकी पहले सबसे पहले चाबी लगा देते हैं। तो इंटीरियर के साइड में आते ही सबसे पहले इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का रहने वाला है, कम्प्लीटली एनालॉग प्लस डिजिटल के अंदर ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर जो है कम्प्लीटली डिजिटल के अंदर ही रहने वाला है। यहाँ पर आपकी सभी टाइप की रेंज की इन्फॉर्मेशन, सीट बेल्ट की इन्फॉर्मेशन एंड पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, माइलेज की इन्फॉर्मेशन एंड सभी टाइप की वार्निंग्स वगैरह आपको यहाँ पर शो कर देता है। इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पर है, फ्यूल गेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सभी टाइप की डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, सिंपल सा ही रेनॉल्ट का लोगो, SRS एयरबैग की बैजिंग। कोई भी क्रूज कंट्रोल यहाँ पर नहीं मिलता है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल होगा, हेडलैम्प्स का कंट्रोल यहाँ पर है, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह भी यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं। इंटीरियर के साइड में यहाँ पर आपको सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है AC वेंट के ऊपर। डैशबोर्ड लेआउट इसका कंप्लीटली ब्लैक डॉट फिनिशिंग के साथ रहने वाला है, डुअल टोन में आप ये नहीं कह सकते हैं, ब्लैक एंड बीच फिनिशिंग के साथ ये मिल जाता है। अब यहाँ पर बड़ा अपडेट क्या रहने वाला है, यहाँ पर मेनली अपडेट जो रहने वाला है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का रहने वाला है। ये बेसिक वाली इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाती है, इसके अंदर आपको एंड्रॉयड के फंक्शन पूरे ही मिल जाते हैं। इसको आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वीडियोज़ वगैरह अपने आराम से देख सकते हैं। नीचे की साइड में आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड सिंपल सा AC रहने वाला है, कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है, लॉक अनलॉक के फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, हैजार्ड लैंप का फीचर भी आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। ऊपर की साइड देखते हैं तो ऊपर की साइड में आपको ये व्यू मिलेगा। ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको IRVM के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ रहने वाला है, कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ऑटो डिमिंग मोड के साथ भी ये नहीं मिलता है। लैंप आपको यहाँ पर मिल जाता है, LED के अंदर ये लैंप रहने वाला है। यहाँ पर माइक की प्लेसिंग होगी, अब ये माइक एक्सटर्नल लगा हुआ है बजाय बल्कि कंपनी में यहाँ पर आता है बजाय, तो उसके लिए यहाँ पर आपका मिल जाता है माइक। फ्रंट सीट पर कोई भी मिरर वगैरह नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट सीट पर कोई भी मिरर वगैरह भी नहीं मिलता है, पैसेंजर साइड भी हैंडल्स यहाँ पर सिंपल वाले लगा दिए गए हैं। एंड सीट अपॉल्स्ट्रफी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सिटिंग कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, डुअल टोन में इसकी सीट्स रहने वाली है, फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्रफी मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडरूम जो है मेरी हाइट के हिसाब से डिसेंट इनफ बच जाता है एंड रिक्लाइनर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल है। हाइट एज वेल सीट्स यहाँ पर आपको नहीं मिलती हैं बाय द वे, वो आपको सिर्फ अपर मॉडल टॉप मॉडल के अंदर ही मिलने वाली है। यहाँ पर 5-स्पीड गियरबॉक्स और मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, अपना फोन वगैरह रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड अगर लगाना चाहें तो आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं या फिर आप इसका अपर मॉडल टॉप मॉडल ले सकते हैं। नीचे की साइड में आपको ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। तो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है एंड स्पेस के मामले में एक और चीज़ काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है, वो है इस कार का ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट इनफ स्पेस मिल जाता है। आई डोंट थिंक कि किसी भी अल्टिगा जैसी गाड़ी के अंदर भी इतना स्पेस आता होगा, इवन अल्टिगा से भी ज़्यादा स्पेस जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर बुकलेट वगैरह रख सकते हैं अपना कुछ भी सामान वगैरह एंड ये कूल्ड में नहीं है, बट अगर आपको कूल्ड स्पेस चाहिए तो आप इसका अपर मॉडल ले सकते हैं। तो इंटीरियर लेआउट कुछ तरीके का रहने वाला है, कंफर्ट अच्छा खासा है, लॉन्ग राइड पर भी कोई दिक्कत नहीं आती है एंड इंजन वगैरह भी डिसेंट इनफ ही रहने वाला है। अभी मेनली बात कर लेते हैं रेयर साइड के कंफर्ट के बारे में, बात करेंगे रेयर की साइड में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है। रेयर की साइड में आते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपडेट मिलता है, वो है इस कार का पावर विंडो कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको पावर विंडो कंट्रोल्स अब एड ऑन हो गए हैं, बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चार स्पीकर इसके अंदर रहने वाले हैं। डोर कुछ इस टाइप का रहने वाला है, डुअल टोन में इसका डोर रहने वाला है, लॉक अनलॉक के फीचर आपको यहीं पर ही मिल जाते हैं एंड अब इसके अंदर बैठते हैं, बात करेंगे सिटिंग कम्फर्ट के बारे में। तो सिटिंग कम्फर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर नी रूम मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा बच रहा है, आप देख ही सकते हैं रेयर साइड कंफर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। अभी रिक्लाइनर ऑप्शन चेक करते हैं तो रिक्लाइनर ऑप्शन कुछ इतना बच जाता है, अगर आप पीछे की साइड का स्पेस यूजेबल स्पेस नहीं चाहते हैं तो कुछ इतना स्पेस बच जाता है एंड रिक्लाइनर हो जाती है, आप आराम से सोकर भी जा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा ही रहने वाला है, बीच का हम्प भी इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर अब बंदा बीच में बैठना चाहता है तो भी बंदा बैठ सकता है। पीछे की साइड में भी आपको ये रेयर AC वेंट मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप पीछे की साइड के रेयर AC वेंट देखते हैं आपको कहाँ मिलते हैं, वो आपको पिलर्स पर मिलते हैं, तो कुछ इस तरीके के इसके रेयर AC वेंट रहने वाले हैं, यहीं से आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अब थर्ड रो की बात की जाए तो थर्ड रो में कोई रेयर AC वेंट नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि एकदम कार को कूल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं।
बाकी सीट यहाँ पर आपको 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ मिलने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे की साइड भी है, पीछे की साइड भी है, बट आपको यहाँ पर नहीं मिलती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एंड काफ़ी कंफर्टेबल कार रहने वाली है, मिडिल रो वाला कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा खासा है। पीछे की साइड में इतना स्पेस तो नहीं बचता, बट अगर बच्चे वगैरह बैठेंगे तो ज़्यादा सही है। तो भाइयों ये था रेनो ट्राइबर के लिमिटेड एडिशन का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अभी गाइस आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कार आपको कैसी लगी, एंड इस प्राइस रेंज पर आने वाली मोस्ट अफोर्डेबल कार आप इसे कह सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इस बजट रेंज में आने वाली कोई आपको 7 सीटर कार मिल सकती है। ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कोई कार देख रहे हैं 7-8 लाख के बजट में एक 7 सीटर कार, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपका बजट है 7 से 8 लाख का, तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे इस बजट रेंज में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।